नमस्कार, इंटर न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, तो उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी सुमित अंतिल का सम्मान समारोह किया जाना है और ऐसे में सीएम मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला इस सम्मान समारोह में शामिल होंगे। कुछ देर में पहुंचेंगे सीएम और डिप्टी सीएम। सोनीपत के खेवड़ा गांव के डीपीएस स्कूल में होगा स्वागत समारोह। तो मुख्यमंत्री गांव में कई विकास परियोजनाओं की घोषणा भी करेंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अभी टोक्यो पैरालंपिक में जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन मनीष नरेवाल का रहा है, तो मनीष नरेवाल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और भारत का मान सम्मान बढ़ाया था और इसी के तहत अब वो स्वदेश वापसी कर चुके हैं और आज उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि सुमित अंतिल का सम्मान समारोह होना है और ऐसे में सुमित का जो सम्मान समारोह हो रहा है इसमें अब सीएम मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला भी शामिल होंगे। खेवड़ा गांव के डीपीएस स्कूल में होगा स्वागत समारोह। तो टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले सुमित अंतिल को हरियाणा सरकार आज सम्मानित करेगी। सोनीपत के सेक्टर 4 से 10 किलोमीटर लंबे काफिले के साथ सुमित अंतिल रवाना हुए हैं। जगह जगह पर सुमित का भव्य स्वागत किया गया है। काफिले में शामिल होने वाले लोगों का सम्मान के लिए सुमित ने धन्यवाद किया। सुमित ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें मोटिवेट किया है। देश के लोगों की दुआओं की वजह से उन्होंने ये मुकाम पाया है। सुमित ने कहा कि अगर किसी चीज को सच्चे मन से चाहे तो कोई ताकत हरा नहीं सकती है। तो आपको तस्वीरें सोनीपत से हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से उनका काफिला निकला है। देखिए काफिले में उनका जिस तरीके से भव्य तौर पर स्वागत किया गया है, जहां उनके दोस्त उनके साथ इसी एक ही कार में नजर आ रहे हैं, तो साथ ही तिरंगा भी उनके साथ लहराते हुए देखा जा सकता है और गोल्ड मेडल अपने हाथों में सुमित अंतिल लिए हुए नजर आ रहे हैं। सर जी, इतना भव्य स्वागत किया जा रहा है मेरा और मैं सभी गांव वालों का, सभी पूरे सोनीपत या जो बाहर से भी आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो यहाँ पे आए, अपना कीमती समय निकाला और मेरे स्वागत के लिए आए। बिल्कुल सर, जैसे हम यहाँ से गए थे तब देश के प्रधानमंत्री ने हमें मोटिवेट किया था। गवर्नमेंट भी पूरा सपोर्ट कर रही है और बाकी सबका भी पूरा सपोर्ट है। पूरी देश की दुआएं मेरे साथ थी तो मैं काफ़ी मोटिवेटेड था वहाँ पे। एक ही बात कहूँगा सर कि अगर जो आप किसी चीज़ को सच्चे मन से चाहते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको करें। तो तस्वीरें सोनीपत से आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर पैरालंपिक खिलाड़ी सुमित अंतिल का सम्मान समारोह का आयोजन आज किया जाना है। और ऐसे में देखिए ये जो काफिला है ये करीब करीब 4 किलोमीटर का लंबा काफिला बताया जा रहा है डीपीएस स्कूल में जो समारोह का आयोजन किया जा रहा है वहां तक पहुंचने के लिए, और भव्य तौर पर उनका स्वागत यहाँ भी हो रहा है।